बात करते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, इंक्लूडिंग एल्विश यादव, मुनावर फारूकी, UK07 राइडर, रैंडम सेना एंड मैक्सन। जी हाँ गाइस, इन सब के बीच में कल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। गाइस प्लीज वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। रिसेंटली जो एक क्रिकेट चैरिटी मैच हुआ था, वहाँ पर एक टीम में थे एल्विश यादव एंड एक टीम में थे मुनावर फारूकी। एज एक्सपेक्टेड बाय मेनी पीपल की जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे कुछ क्लैश देखने को मिल सकता है, बट हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। जब दोनों मिले तो दोनों काफी फ्रेंडली स्पोर्टिंगली मिले थे। फील्ड पर भी एल्विश यादव ने मुनावर फारूकी को बॉल किया था, हालांकि मुनावर फारूकी ने उनकी पहली बॉल पर 6 हिट कर दिया था, बट बाद में एल्विश यादव ने उनका विकेट भी लिया था। दोनों के बीच काफी फ्रेंडली एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिला था। एंड इतना ही नहीं, मुनावर ने एल्विश के साथ व्लॉग भी शूट किया था। आफ्टर दिस मैच एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये कहना था एल्विश यादव ने वहाँ पर जो भी किया था वो एक चैरिटी मैच था, वहाँ पर उन्होंने चीजें स्पोर्टिंगली की थी। बट वहीं दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों का ये कहना था मुनावर फारूकी ने काफी हिंदू सेंटीमेंट्स को हर्ट किया हुआ है पास्ट में अपनी स्टैंड अप कॉमेडी शोज में। एल्विश यादव खुद को कट्टर हिंदू पोर्ट्रे करते हैं, उन्हें ऐसा प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था खुद को एंड ऐसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए था मुनावर के साथ। ऐसा ही एक पर्सन जिनका ये ओपिनियन था वो थे रैंडम सेना। उन्होंने ट्विटर स्पेस में आकर एल्विश यादव के मैनेजर एंड उनके फ्रेंड को भी काफी कुछ बोला था एंड इवन अब्यूज भी किया था कुछ जगह। एक महीना पहले बोल चुका था कि राघव शर्मा एक दिन लेट होगा एल्विश को, हर गलत चीज को प्रमोट मत किया करो, हर कुछ पैसा नहीं होता है, मेरा कोई कमर्शियल रिश्ता नहीं है। आज तक एल्विश ने मुझे एक रुपया ना दिया है, ना एक रुपया कमवाया है, ना एक बार शार्ट आउट दिया है, ना कुछ किया। मेरा मुंह मत खुलाओ, उनकी उसकी जो जितनी भी टीम है सारी कमर्शियल रिश्ते पे चलती है। राघव शर्मा ही आज मुनावर फारूकी से गला मिलवाया है, जिस चीज को आज तुम डिपेंड कर रहे हो, तुम लोग खा जाओगे अपने क्रिएटर को। इसके बाद एल्विश यादव भी ट्विटर स्पेस पर लाइव आए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। छोटा सा क्लिप देख लो कि उन्होंने वहाँ पर क्या कहा था। जैसे मैच खत्म हुआ तो मैंने देखा मुनावर को लेकर भी कि भाई तुम तो ऐसे सपोर्ट करते थे, कई अपने भाई हैं वो भी गाड़ी गलत करते बताए, पर मेरे हिसाब से ना भाई ये देखो ये चीजें गलत है। तुम क्या चाहते हो मैं वहाँ पे मुंह लटका के कुत्ते का सा मुंह लेके घूमता हूँ? चैरिटी मैच था वो, अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला, अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम के साथ बैटिंग कैसे कर ली? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी इंडिया वालों को गाली बक दो कि पाकिस्तान के साथ मैच कैसे कर दिए, तो एनिमी कंट्री है। आप दूसरी फील्ड पे जाते हो, जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की, तो आपको काफी चीजें भूलनी पड़ती है और वो दिखानी पड़ता स्पोर्ट्समैनशिप कि हम यहाँ पे गेम खेलने आए, ना कि एक दूसरे के ऊपर हेटेड निकालने आए। मेरे को बड़ी गलत चीज लगी वाला कार्ड आ गया कि भाई ये तो हिंदू बनता था, देखो इस हिंदू को ये हो गया। अब किसी से मिलने से, किसी से दो बात आराम से करने से मुझे तो लगता है कि मेरे हिंदू होने पर कोई फर्क पड़ता। कटारिया को मैं अपना भाई मानता हूँ, कटारिया कोई ऐसी चीज करेगा जो मेरे को पसंद नहीं आएगी फॉर एग्जांपल, तो मैं दुनिया भर में बैठ के डिंडोरा थोड़ी पीटूंगा कि कटारिया को गाली बकने लग जाऊं, कटारिया के फैन क्लब को गाली बकने लग जाऊं, जस्ट बिकॉज मेरे को उसकी वो चीज पसंद नहीं आई। एक साइड आप बोलते हो कि भाई भाईचारा हम रखते हैं, हम बहुत बढ़िया भाई हैं, दूसरी साइड पूरी दुनिया के आगे गाली गलौज चल रही है, ये चीज मुझे समझ नहीं आई और मुझे अच्छा। एंड देन रैंडम सेना की तरफ से भी काफी ट्वीट्स एंड रिस्पॉन्सेज आए। बेसिकली उन्होंने यही कहा, धर्म अबव एवरीथिंग। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रीवियस ट्वीट्स जहां पर उन्होंने एल्विश यादव को काफी सपोर्ट किया हुआ है उन्हें भी रीट्वीट किया। बाद में उन्होंने एल्विश आर्मी को भी एड्रेस करते हुए कहा, आपका और मेरा साथ यहीं तक था, आई एम सॉरी फ्रॉम माय साइड, जाने अनजाने में अगर मैंने कोई भी हार्श वर्ड यूज किया हो तो। यू गाइस इन एल्विश जहां भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो, प्लीज अनफॉलो मी, दिस इज माय लास्ट इंटरेक्शन विद यू ऑल, जय श्री राम। इसके बाद इनडायरेक्टली एल्विश यादव ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, खोट निकालने बैठोगे हर चीज में खोट निकल जाएगी, प्यार मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ो। इसका रैंडम सेना ने रिप्लाई करते हुए कहा, मुनावर को गले नहीं लगाना चाहिए था, धर्म से बड़ा पैसा नहीं होता, गलत को ना एक्सेप्ट करना ईगो की कैटेगरी में आता है। एल्विश यादव एंड रैंडम सेना के बीच तो ये कॉन्ट्रोवर्सी चल ही रही थी। इसी बीच मैक्सन भी एल्विश यादव का एक पुराना क्लिप शेयर करते हैं, उन्होंने ट्रोल किया एल्विश यादव को। उन्होंने ये वाला वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, हर्ट फेल्ट लाइन बाय एल्विश, जिस पर एल्विश यादव उनको सीधे सीधे रिप्लाई करते हुए कहते हैं, भाई तू दिल्ली ही रहता है तो चाहे याद दिला दूं। देन मैक्सन रिप्लाई करते हुए कहते हैं, थैंक्स भाई। ये बात यहीं खत्म नहीं होती है, मैक्सन ने एल्विश यादव के साथ हुई उनकी चैट को शेयर करते हुए लिखा, हेडिंग टू गुड़गांव एट 10 PM। एल्विश यादव ने एक एड्रेस दिया था उनको एंड मैक्सन ने लिखा था नोटेड एंड एल्विश ने देन कहा, टाइम से पहुंच जाइए। देन अपडेट देते हुए मैक्सन ने ये दिखाया कि वो गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं एल्विश यादव से मिलने। एल्विश यादव की तरफ से भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये डेट आया, ऑन माय वे टू। जैसे ही वो टाइम हुआ 12:30 दोनों के मिलने का, उसके बाद काफी सारे लोगों को ये लगने लगा कि कोई अपडेट क्यों नहीं आया दोनों की साइड से। एल्विश यादव अपडेट देते हुए ये वाला फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं, वर्क डन। इसी के बाद कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि एज पर सोर्सेज मैक्सन हॉस्पिटलाइज्ड है, बट ये कम्प्लीटली सच नहीं था क्योंकि मैक्सन ने अपनी साइड से अपडेट दिया इस पर, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था। भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे, तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ अच्छे से, सब देखना क्या हुआ, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है,
वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद है। ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी ट्विटर में जब से चल रही थी, इंक्लूडिंग एल्विश, रैंडम सेना, मैक्स चन, तो मुनावर फारूकी भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये वीडियो शेयर करते हैं जहाँ पर वो पॉपकॉर्न खा रहे थे। एल्विश यादव के ये ट्वीट को भी उन्होंने रिप्लाई करते हुए ये हर्ट वाला इमोजी दिया था। बट कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब यहाँ से मुनावर फारूकी एंड UK07 राइडर के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। मुनावर फारूकी ने जो पॉपकॉर्न खाते हुए वीडियो डाला था, उसके रिस्पॉन्स में UK07 राइडर भी एक वीडियो शेयर करते हैं। वहाँ पर वो ओपनली चैलेंज करते हैं मुनावर को। यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं, एंड ये एल्विश भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ, मुनावर अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई, तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर, और वहाँ मिल, वहाँ बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। एंड इस कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर अभी और भी काफी अपडेट्स आने बाकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे।